मैं सिटी बस में बैठी, मुझे जाना था नर्सरी। ये बहन तो सो रही है पर भाई तो पूरा पूरा लुफ्त उठा रहा है कि मैं पहुंची राम मंदिर पर प्रभु जी सो रहे थे। सो मैं दूर से ही नमस्ते बोली उनको, क्योंकि वो सो रहे हैं, अब तो उठाऊंगी नहीं। और फिर आगे मैं बढ़ने लगी। मुझे तो ये शहर बहुत अच्छा लगता है, ये भुवनेश्वर सिटी है। मैं चलना पसंद करती हूँ बिकॉज़ आई एम अ वॉकर, मैं वॉक करना पसंद करती हूँ। देखिए मैंने आपको हाय भी बोला है, और यहाँ का देखिए हर दीवार कुछ बोलता है। ये बहुत आर्टिस्टिक शहर है, हर दीवार पे कुछ ना कुछ चित्र बनाया गया है, आर्टिस्टों ने बनाया है। देखिए ये छोटी सी मंदिर है, फिर भी छोटी सी मंदिर को भी कितने अच्छे से सजाया गया है। यहाँ हर दीवार में कुछ ना कुछ मतलब आर्टिस्टिक पिक्चर्स होते हैं। मैं आ गए बुद्ध मंदिर, बुद्ध मंदिर से यहाँ पीछे या आगे मंदिर है और पीछे नर्सरी है। मुझे मैं पहुँच गई मेरे डेस्टिनी। मैं सिटी बस में बैठी, मुझे जाना था नर्सरी। ये बहन तो सो रही है पर भाई तो पूरा पूरा लुफ्त उठा रहा है कि मैं पहुंची राम मंदिर पर प्रभु जी सो रहे थे। सो मैं दूर से ही नमस्ते बोली उनको, क्योंकि वो सो रहे हैं, अब तो उठाऊंगी नहीं। और फिर आगे मैं बढ़ने लगी। मुझे तो ये शहर बहुत अच्छा लगता है, ये भुवनेश्वर सिटी है। मैं चलना पसंद करती हूँ बिकॉज़ आई एम अ वॉकर, मैं वॉक करना पसंद करती हूँ। देखिए मैंने आपको हाय भी बोला है, और यहाँ का देखिए हर दीवार कुछ बोलता है। ये बहुत आर्टिस्टिक शहर है, हर दीवार पे कुछ ना कुछ चित्र बनाया गया है, आर्टिस्टों ने बनाया है। देखिए ये छोटी सी मंदिर है, फिर भी छोटी सी मंदिर को भी कितने अच्छे से सजाया गया है। यहाँ हर दीवार में कुछ ना कुछ मतलब आर्टिस्टिक पिक्चर्स होते हैं। मैं आ गई बुद्ध मंदिर, बुद्ध मंदिर से यहाँ पीछे या आगे मंदिर है और पीछे नर्सरी है। मुझे मैं पहुँच गई मेरे डेस्टिनी।